बागली तहसील के ग्राम गुनेरी में अवलदा अवलदी मार्ग पर स्थित किसान बलवान सिंह पिता रंजीत सिंह सेंघव के खेत में खड़ी गेहूं की फसल में सोमवार को दोपहर को अचानक बिजली के तार फॉल्ट होने से आग लग गई, जिसमें लगभग 6 बीघा के गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बड़ी मेहनत से गेहूं की फसल को तैयार किया था और पक कर तैयार हो चुकी थी, जिसे काटने की तैयारी की जा रही थी। देखते ही देखते पूरी फसल आग की चपेट में आने से जलकर खाक हो गई। वहीं सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार अनिता बरेठा मौके पर पहुंची, साथ ही बागली से 2 दमकल भी मौके पर पहुंची। स्थानीय किसानों की मदद से आग पर काबू पाया। आगजनी में लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।